स्वागत दोस्तों आप सभी का भारत दस्तक पे। तो दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मायावती ने क्यों कांग्रेस को वोट देने के लिए कहा है अपने बीएसपी समर्थकों से, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे चुनाव आयोग ने क्यों नोटिस भेजा है, केजरीवाल को पड़े थप्पड़ के बारे में केजरीवाल जी ने क्या कहा है, और दोस्तों संगीत सोम के बारे में भी इस वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों सबसे पहले वीडियो में बात करेंगे मालेगांव बम ब्लास्ट आरोपी और भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जिला निर्वाचन आयोग ने एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन्हें इसलिए जारी किया गया है कि उनके ऊपर लगाए गए 72 घंटे के बैन के बावजूद भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई दी गई थी। यानी कि दोस्तों 72 घंटों के बैन के बावजूद भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई दी गई थी। इसके बारे में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहती है कि वह इस नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार है, उन्होंने आयोग के बैन का कोई भी उल्लंघन नहीं किया है, यह कहना है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। अब हम आपको बताते हैं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे क्यों बैन लगाया गया था। तो दोस्तों जो उनका बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने वाला बयान था, उन्होंने कहा था कि वह बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने गई थी और बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ के उन्होंने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया था और इसको लेकर उनको अपने आप पे बहुत गर्व है। यानी कि बाबरी मस्जिद तोड़ने का उनको अपने आप पे बहुत गर्व है। तो चुनाव आयोग ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और उन्हें उनके ऊपर 72 घंटे का बैन लगाया गया था। दोस्तों साध्वी प्रज्ञा का ये विवादित बयान आने के बाद चुनाव आयोग ने उनके ऊपर 72 घंटे का बैन लगा दिया था, लेकिन इस बैन के बावजूद भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कई ज्यादा मंदिरों में गई, वहां पर मंदिरों में जाकर दर्शन किए, लोगों से मुलाकात की और भजन कीर्तन भी किए। यानी कि साफ तौर पर चुनाव आयोग के जो उनके ऊपर बैन लगाया था उसका उल्लंघन करते हुए दिखाई दी। फिर दोस्तों इसकी शिकायत उनकी जिला निर्वाचन आयोग से की गई। जिला निर्वाचन आयोग ने फिर इसका संज्ञान लेते हुए उनको फिर से कारण बताओ नोटिस भेजा है। अब दोस्तों देखते हैं इसके बारे में क्या होता है आगे, जो भी होगा वो आपको सबसे पहले अपनी वीडियो में बता दूंगा, तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है केजरीवाल जी को लेके। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जैसा कि आपको बताया था कि 4 मई को एक रोड शो के दौरान केजरीवाल जी के ऊपर एक व्यक्ति ने हमला कर दिया था, उनको थप्पड़ मार दिया था। वो लड़का लाल कलर की टी शर्ट पहना हुआ था और उसका नाम था सुरेश। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। दोस्तों पुलिस में हिरासत में लेने के बाद उसका स्टेटमेंट लिया। पुलिस कहती है कि यह बंदा आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है, लेकिन आम आदमी पार्टी की कार्यशैली से नाराज था, इसलिए केजरीवाल जी को थप्पड़ मारा। और वही दोस्तों दूसरी ओर इनकी बीबी, यानी कि जिसने थप्पड़ मारा है, उनकी बीबी कहती है कि हमारे पति मोदी भक्त है और मोदी के बारे में एक बात भी नहीं सुन सकते। जो भी कोई मोदी के बारे में कुछ गलत कहता है तो वो अपना आपा खो देते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दो अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, पुलिस का अलग और उनकी वाइफ का अलग। अब दोस्तों आप किसके साथ हैं? मुझे तो यहाँ पर उनकी वाइफ का स्टेटमेंट सही लगता है, क्योंकि बंदा जब जाहिर है कि मोदी समर्थक अपना आपा बहुत जल्दी खो देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी तो नहीं है कि वो सुरेश नाम का जो बंदा था जिसने केजरीवाल जी को थप्पड़ मारा था उसके बारे में पुलिस उनकी बीबी से ज्यादा जानती हो, उनकी बीबी ज्यादा जानती होंगी उनके बारे में। फिर दोस्तों यहाँ पर केजरीवाल जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मैं सभी मोदी भक्तों से कहना चाहता हूँ कि देश से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं है। जिस तरीके से हमलावर की पत्नी ने कहा है कि मेरे पति मोदी भक्त है और मोदी के बारे में एक बात भी नहीं सुन सकते और अपना आपा खो देते हैं, अगर कोई मोदी के बारे में कुछ भी कहता है, तो मोदी भक्तों द्वारा यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो आप लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के सीएम ने कहा है कि यह एक गंभीर मामला है, अगर सीएम रहते मुझ पर हमला हुआ तो आप लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। दोस्तों बीजेपी के बड़े बोले विधायक संगीत सोम ने फिर एक विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने बुरखे को लेकर, यानी कि जो मुस्लिम महिलाएं बुरखा बीनती है काला रंग को, संगीत सोम ने बुरखे को आतंक का पर्याय बताते हुए कहा है कि बुरखे की आड़ में पड़ोसी देश श्रीलंका में जो हमला हुआ जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और बुरखा आतंक का पर्याय है। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि जो बुरखा है वो आतंक का पर्याय है, यानी कि जो बुरखा पहनते हैं वो आतंकवादी लोग बुरखा पहनते हैं और बुरखे की आड़ में आकर आतंकवादी हमले कर देते हैं। संगीत सोम ने कहा है कि बुरखे में आतंकवाद होता है और यह लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसे खत्म कर देना चाहिए। और उन्होंने आगे कहा कि बुरखे के कारण आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। तो दोस्तों संगीत सोम का यह बयान एक बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि बुरखा कोई आतंकवाद का पर्याय नहीं है। जरूरी नहीं है कि
हर कोई आतंकवादी बुरखा पहनकर हमला करता हो। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जो कभी कभी भगवा पहनकर भी हमला कर देते हैं। एग्जाम्पल है भोपाल की प्रत्याशी जो बुरखा तो नहीं पहनी थी हमला करते वक्त। चलिए तो दोस्तों अब लोग हम आ जाते हैं यूपी में। यूपी में क्या है, मोदी जी ने काफी ज्यादा रैलियां करी और रैलियों में उन्होंने महागठबंधन के ऊपर यानी कि एसपी बीएसपी गठबंधन के ऊपर काफी ज्यादा जमकर हमला बोला। और इस हमले को पलटवार करते हुए मायावती जी कहती है कि मोदी जी की फूट डालो और राज करो नीति 23 मई को छुमंतर हो जाएगी। और आगे मायावती जी कहती है कि 23 मई को इस अहंकारी सरकार से हम लोगों को मुक्ति मिलेगी। दोस्तों ये तो छोटा सा हमला था मायावती जी का मोदी जी की तरफ, लेकिन मायावती जी का यानी कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का एक बहुत बड़ा बयान निकलकर सामने अभी आ रहा है। तो क्या है वो बयान, आइए आपको मैं बताता हूँ। मायावती जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि हमने कांग्रेस के साथ कोई भी समझौता नहीं किया है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए अमेठी और रायबरेली में जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक है और वोटर है वो कांग्रेस पार्टी को वोट करे। दोस्तों मायावती जी का जो कहने का मतलब था वो ये था कि जो दो सीटें छोड़ी गई है यूपी में महागठबंधन द्वारा, आप सभी को पता होगा कि महागठबंधन ने कांग्रेस के लिए दो सीटें छोड़ी है, वहां पर कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा है अपना। जो सीटें हैं वो है अमेठी जहां पर राहुल गांधी जी लड़ने वाले हैं, एक सीट है रायबरेली वहां पर सोनिया गांधी जी लड़ने वाली है। तो मायावती जी का कहना था इन दोनों सीट पर 6 मई को चुनाव होने वाले हैं, तो भैया यहाँ पर जो बीएसपी वोटर है वो कांग्रेस को सपोर्ट करे, बीजेपी को सपोर्ट ना करे, इससे ये होगा कि विनाशकारी पार्टी चुनाव हार जाएगी और कोई अन्य दल चुनाव जीत जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर वैसे भी अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस का जो जनाधार है बहुत है और ये और बीएसपी भी इसमें सम्मिलित हो जाती है, तो यहाँ पर बीजेपी का हारना निश्चित है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती जी ने एक और बड़ा बयान दिया है। मायावती जी ने कहा है कि 4 चरणों में यानी कि 4 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें यूपी के अंदर गठबंधन को जनता ने बहुत ज्यादा समर्थन दिया, जिससे बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी परेशान हो चुकी है। मायावती जी आगे कहती है कि यह गठबंधन यानी कि एसपी बीएसपी का गठबंधन केवल केंद्र में नया पीएम और नई सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि अगले विधानसभा चुनाव में ये बीजेपी को भी राज्य से हटाएगा, यानी कि जो बीजेपी की राज्य सरकार है योगी सरकार है उसको भी हटाने का काम करेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे मायावती जी का साफ साफ इशारा है कि यह गठबंधन बहुत लंबा जाने वाला है, यानी कि यूपी के जो अगले विधानसभा चुनाव आने वाले हैं शायद 2022 में ये चुनाव आने वाले हैं, 2022 में ये चुनाव है यूपी के अंदर विधानसभा के, उस विधानसभा चुनाव में भी यह गठबंधन जारी रहेगा। तो ये मायावती जी का साफ साफ संदेश था। तो आपको ये सब बातें कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे अच्छी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों को कोई ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने फैमिली के साथ, और लाइक तो बिल्कुल मार के जाइए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है अगली वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल कलर का ही नीचे बटन है उसको दबाइए फटाक से दबाइए, और उसके बाजू में छोटी सी बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए टर्न करके, तो आप हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी झंडा के वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।